बरसात के मौसम में करें टमाटर की खेती जो आपको बना सकती है लखपति। जी हाँ, बरसात यानी जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक। इस समय बाजार में टमाटर कम आता है और किसानों को दाम अच्छा मिलता है। 8-10 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों का खूंटी का है। सबसे ज्यादा टमाटर का रेट जुलाई महीने के आसपास रहता है। जुलाई अगस्त सितंबर तक 100 रुपया भी रहता है, 80 रुपया भी, मतलब 40 से ऊपर रहता है। वैसे तो टमाटर की खेती साल भर की जाती है, लेकिन झारखंड जैसे पठारी क्षेत्र के लिए टमाटर की अगेती फसल के लिए बरसात का मौसम सबसे बेहतर है। अब जुलाई में निकालना है तो जून मई महीने में हमको टमाटर लगाना है, तब हमको अच्छा रेट मिलेगा। बरसात के मौसम में टमाटर की खेती के लिए जमीन का चयन महत्वपूर्ण होता है। बरसात के लिए तो हमको खेत चाहिए थोड़ा ढलुआ वाला, मतलब जहां बारिश करेगा तो पानी नहीं जमे। बरसात में टमाटर की खेती के लिए पौधे की रोपाई गर्मियों में की जाती है। मई जून महीने का तापमान देखेंगे तो 38-40 डिग्री तक भी हो जाता है, तो उस समय हम अगर उखाड़ के जमीन वाला गाछी अगर लगाते हैं तो पटाएंगे फिर भी सक्सेस, मतलब बहुत सारा पौधे मर जाएगा। इसलिए पौध यानी गाछी स्वस्थ एवं पुष्ट होना चाहिए। इसमें सॉइललेस सैपलिंग यानी मिट्टी रहित पौध बेहतर होता है। ये 1 एकड़ जमीन में 4,500 से 5,000 पौधे लगा है। पुलिया उससे हम लेके आए थे जिसको बुरसुधा बोलते हैं, जो कोकोपीट का जो रहता है। गर्मी के 2 महीनों में पौधे को पानी की भी जरूरत पड़ती है, सो सिंचाई की भी पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। पौधा रोपने के 15-15 दिन में कम से कम 2-3 बार कोड़ाई कर खाद देने से पौधे का तना मजबूत होगा। खरीफ हो या तो रबी का सीजन हो या गर्मी का सीजन, कोड़ाई कम से कम 2 बार करना चाहिए। कुछ किसान इसमें टपक सिंचाई प्रणाली और मल्चिंग का भी उपयोग करते हैं। ड्रिप और मार्चिंग में अगर लगाते हैं, ज्यादा कोड़ाई खुसाई करना नहीं पड़ेगा, घास ज्यादा नहीं उगेगा, उसको अच्छा पानी भी मिलेगा और पूरा ग्रोथ अच्छा रहेगा। बरसात के मौसम में टमाटर की खेती में स्टिक लगाना जरूरी हो जाता है। फूल आने से पहले टमाटर के पौधे को स्टिक के सहारे बांध दिया जाता है ताकि वो जमीन में न फैले। स्टिक नहीं लगाते हैं तो फूल जो निकलता है वो झड़ जाता है, और फल जब पकने लगता है तो नीचे तरफ से वो सड़ना शुरू हो जाता है और फल में काम हो जाता है। स्टिक बांस या स्थानीय उपलब्धता के अनुसार किसी भी लकड़ी से बना सकते हैं। गर्मी के सीजन में जमीन का ताप वो टमाटर का फल में आ जाता है, अगर स्टिक लगाए रहते हैं तो वो ऊपर रहेगा और उसका ताप कम होगा और सुंदरता दिखेगा, जो टमाटर का फल में सुंदरता आएगा। इससे पौधा भी बढ़ता है और फल की मात्रा भी अधिक होती है। टमाटर का खेती में बीमारी तो हर सीजन में आते रहता है। जैसे शुरू में हम पौधा अगर लगा रहे हैं तो पौधा लगाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर एक कीट रहता है जो उसका तना होता है, हम रोपाई किए पौधे को उसका तना को ही ऐसे काट देता है। तो उससे कंट्रोल करने के लिए हम लोग गड्ढा में जब खाद उद देंगे उसी समय 1 से 1.5 ग्राम करके थाइमेट दे देंगे तो उसका सेंट वहाँ पर रहेगा तो बाहर से कीड़ा नहीं खाएगा। टमाटर में फूल के समय विटामिन और फफूंदनाशी दवा का छिड़काव से भी फल अच्छे और सुंदर होते हैं। टमाटर का पौधा जब छोटा रहता है तो उस समय एक बीमारी आता है, व्हाइट फ्लाई बीमारी को लेके आता है और अंडा दे देती है और बीमारी धीरे धीरे उसमें बढ़ता है, और जब बीमारी पकड़ लेता है तो उसका पौधा इसे सिकुड़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक दवा का स्प्रे करते हैं, एक तरह नाम से 5 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे मार देते हैं। कई बार फल के समय भी कीटों का हमला होता है और वो फलों में छेद कर देते हैं। इससे बचाने के लिए भी दवा का छिड़काव जरूरी है।
साथ ही कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। दो महीना होने जा रहा है तो हम फिर कोराजन हम एक बार फिर छिड़काव कर दिए क्योंकि फल में कीड़ा लग गया। मई के महीने में रोपे पौधों में जुलाई तक फल आना शुरू हो जाता है और अगस्त सितंबर तक चलता है। इससे किसान को अच्छी आमदनी होती है। अगर कोई अगर 50 से 60 डिसमिल भी टमाटर का खेती करता है और अच्छा रेट अगर पकड़ाया तो 1.5 से 2 लाख रुपये तक इनकम कमा सकता है। झारखंड जैसे पठारी अंचल में टमाटर की अगेती फसल के लिए दो प्रमुख सीजन हैं। एक फसल जनवरी फरवरी में लगाई जाती है जो अप्रैल मई तक बाजार में आ जाती है। इसमें शुरू से अंत तक पटवन की जरूरत पड़ती है। टमाटर के सामान्य मौसम से विलंब के कारण इस समय भी दाम ठीक ठीक मिल जाता है। जनवरी के आसपास टमाटर का रेट सबसे कम रहता है। अगर हम जनवरी के आसपास भी लगाते हैं तो लागत थोड़ा कम होगा और इनकम आएगा। अगेती हो या विलंबित, आधुनिक तकनीक से टमाटर की खेती बन सकता है आजीविका का आधार और बनाए आपको लखपति।